खिली है रंगों ईद का जी, ईद का बड़ा मजेदार मौका होता है, बड़ी मस्तियां होती हैं, बड़े मजाक होते हैं, और ईद की खुशियों के साथ और भी बहुत सारी खुशियां जोड़ दी जाती हैं। जैसे बहुत सारे घरों में शादियां जो हैं वो प्लान होती हैं चांद रात को, उसके अलावा मंगनियां होती हैं, उसके अलावा जो बर्थडे बाद में होनी होती हैं वो ईद वाले दिन भी हो जाती हैं। अकीके होते हैं, अकीके होते हैं, और क्या होता है, चोरियां होती हैं। ये हमारे का इवेंट है, हमारे यहाँ इवेंट है, इवेंट है, इसको इवेंट समझा जाता है। मतलब अच्छी अच्छी बातें अगर हम करें, अच्छी अच्छी चोरियां होती है ना, करोला चोरी हो गई, किसी की घर में डकैती हो गई, नहीं नहीं अच्छी चोरी है, कहने का मकसद है दिल चोरी हो गया, थिंक पॉजिटिव, हाँ, थिंक पॉजिटिव, मतलब बच्चा उठा लिया इधर, ठीक है, हाँ बच्चा उठा लिया अगर कहीं गिरा हुआ है तो, ये बच्चा उठा लिया, ये ऐसे इनका ये मतलब था। लेकिन ये है कि लोग घरों में पेंट करवाते हैं, लोग नई नई चीजें खरीदते हैं, लोग नए नए लोगों से मिलते हैं, जो कि बड़े अच्छा रिवायत है, और उसके साथ साथ ईदियां बड़ी मिलती हैं। बचपने में बताओ कितनी ईदी मिलती थी? बचपने में ईदी तो नहीं मिलती थी, मैं लोगों की जेब काट लेता था ये बहुत बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है भाई, मासूम था ना, पता ही नहीं चला। मैंने बोला अंकल ईदी, अंकल ने बोला जाओ अपनी अम्मा से पहले जाके पूछो कि ईदी ले सकते हो कि नहीं। मैंने अंकल को दे ही कान के नीचे जेब काटी 500 रुपए। पॉजिटिव, वाह। आप, मुझे तो जो मिलती थी मैं रख लेता था। हाय मासूम आदमी, मासूम शुरू से ही। क्या बात है, क्या बात है। और आज भी आप लोगों के लिए यहाँ बड़ी जबरदस्त ईदी है हमारे पास, मेरा मतलब है बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हैं, और बड़ी जबरदस्त शो की प्लानिंग है, काफी हल्ला गुल्ला होने वाला है, बहुत मस्तियां होने वाली हैं। सो हमने लाइनअप भी कुछ ऐसे मेहमान किए हैं जो यहाँ पे आके आपके चेहरों पे ऐसी ऐसी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। आज इतनी इंटरटेनमेंट रहेगी, इतना शोगल रहे, एक से बढ़कर एक, आज के शो का नाम है एक से बढ़कर एक, वो वाला नहीं, एक छोड़ करें, एक छोड़ करें। सो सबसे पहले मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, बहुत सारे ड्रामों में आप उन्हें देख चुके हैं, बड़ी खूबसूरत सी हैं, बड़ी प्यारी सी हैं, बड़ी कमाल की अदा है उनकी, और मेरे साथ भी आपने उन्हें बहुत सारे प्लेस में देखा है, बहुत जल्द आप उनको एक फिल्म में भी देखेंगे, और ये जो कमाल है ये वो करती चली जा रही हैं। प्लीज वेलकम नीलम मुनी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अलग सड़क पे हूँ ना। नीलम, how are you? I'm good. आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। Thank you. बस ईद कंप्लीट हो गई, तारीफ ही चाहिए होती है तैयार होने के बाद। अच्छा, तो इसीलिए तैयार होती हैं लड़कियां, ताकि सामने कोई तारीफ करने वाला हो। Of course, जिस दिन तारीफ ना दी माशाल्लाह नहीं होता। नीलम आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you, शुक्रिया। वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया। मैंने बोल दिया ना? हाँ, बोले हमारा दिल नहीं है, हम नहीं बोले, हम पागल बंदे हैं यहाँ खड़े हुए। नहीं तो तुम्हें नजर आ रहा है? मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है नीलम आप बहुत अच्छे। शुक्रिया नीलम, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। ये बातें यहाँ पे चलती रहेंगी। अगले जिन गेस्ट को मैं बुलाने जा रहा हूँ, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े जिदार आदमी। आपको नहीं बोला, आप वहाँ के लिए साथ डांस करके साथ बैठे, अभी जो आ रहे हैं उनके साथ बैठ। अच्छा, सो अगले जिन गेस्ट को मैं बुलाने जा रहा हूँ, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बहुत पाकिस्तान का बड़ा नाम है, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, कमाल के होस्ट हैं, और सच्ची बात यह है कि उनकी होस्टिंग के सामने हम सारे जो हैं वो चने बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे कमाल के होस्ट हैं वो, और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ वेलकम फ़ख्रे आला। जाना, रुकने ना पाए ढोल की, दिन काटे हैं।
क्या बात है फखर, क्या बात है, माशाल्लाह एनर्जी कमाल है, अंदाज कमाल है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अब इनकी भी तारीफ करो। फखर भाई मैं कह रहा हूँ नीलम बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी बात है, तो बैठो ना सोफे पे, तो बैठो नहीं सोफा बैठ जाएगा फिर। ये बाद में वहां बैठने की पोगम होगी बाद। हाँ, ये बाद में हम पोगम कैसी है आप? ठीक ठाक है, इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। ये तीनों लफंगे जो है ना, ये ऐसी ही फजूल की बातें करते हैं। खातून है इस वक्त, कोई फ्रेंड नहीं है इस वक्त। आप मुझे बताओ मुझे कहाँ बैठना है? नहीं नहीं प्लीज प्लीज है, पक्की बात है। हाँ हाँ भाई आप बैठ गए तो बैठ गए। अरे अभी और भी आ रहे हैं ना। अच्छा और है। एक मिनट मैं अब एक बड़े जबरदस्त कपल को बुलाने जा रहा हूँ। अरे कपल, अरे कपल, अरे अरे यार, अरे अगला मेहमान बुला रहे हमारे साथ बैठ जा, हम उसके साथ ना बैठे। आप उसको बुलाते हैं कि मैं आपको प्यार से कह रहा हूँ, मुझे उधर बैठना, उसको उधर बैठना, आप फिर उधर कह रहे हो, उसको उसके साथ बैठना। मैं बोलूँ जान रहा था ठीक है, बड़ी ईद होती तो मैं छुरी फेर देता। रुक जा, दो मिनट रुक जा, मान ले। अभी अभी शफलिंग करेंगे ना थोड़ी देर में, करेंगे। हाँ, हाँ, इतने हैं। हाँ, ठीक है। ऐसी ऐसी गेम्स हैं कि उसमें शफलिंग हो जाएगी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। हमारे दो बड़े जबरदस्त पर्सनालिटीज हैं, मियाँ बीवी हैं, बड़ा जबरदस्त कपल है, और सबसे अच्छी बात यह है हंसते मुस्कुराते प्यारे इंसान हैं, बड़ी मजे मजे की बातें करते हैं, अपना अंदाज है, अपना स्टाइल है। सो प्लीज वेलकम हीरा एंड मानी। सैया के घर है जाना, जा कर ले आओ पाल की कर लो गाना बजाना, रुकने ना पाए ढोल की, दिन काटे हैं गिन गिन के, थी लंबी घड़ियां साल की, सजना से अब है मिलना, तो इरादे के ससुराल की। अच्छा, हम अपनी अगली गेस्ट को बुलाएं। एक और है। हाँ, फीमेल गर्ल। यस, फीमेल गर्ल, बुलाएं। फीमेल गर्ल बुलाएं। बुलाएं, कॉल कर दे। हैं, कॉल कर दे, कॉल कर दे। नहीं नहीं पीछे बुलाएं। बिल्कुल बुला लेते हैं। मैं क्या बताऊं, बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे प्लेस कर रही हैं, मेरे साथ भी आपने उन्हें बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही हैं। नहीं, मलाइका नीलम आप बहुत खूबसूरत। नीलम हाँ बाकी बहुत खूबसूरत, लेकिन यकीन करें ये भी बहुत खूबसूरत है। ना करें, सीरियसली मैं नहीं मानता। क्या बात कर रहा है, हर वक्त तो उससे स्टेटस पे चिपका होता है तू। प्लीज वेलकम फरियाद। Yeah,
बाल भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तुम्हारा सोफा नहीं है आज बैठे ओए भाई, ये तुम्हारा सोफा नहीं है, उधर जाके बैठो तुम। आज ही दे इसको, आज मैं अपने साथ बैठने दे। क्या कह रही है, क्या कह रही हो फरियाद, ये रिस्क तुम खुद ले रही हो। ईद के मौके पे ऐसे बड़े बड़े काम करने चाहिए, एहसान करिए। बड़ा बड़े खास दस्तूर भी है, थोड़ा सा बड़े बड़े काम कर लेकिन ईद पे खुद खुशी ना करें। बैठ जाओ, दो शोज करने अभी चांस मिल गया, ऐसा ना हो मैं बैठूं ये खड़ी हो जाए। हाँ ऐसा हो सकता है ना, क्या है ना। नहीं नहीं आ जाओ बस बस यही बहुत मेरा अगली ईद तक गुजारा हो गया। मैं जिस अगली पर्सनालिटी को बुलाना चाह रहा हूँ, बहुत सारी बातें उनके लिए करने के लिए, लेकिन एक बात अगर मैं उनके लिए कहूँ तो मेरे ख्याल से वो काफी है। द ट्रू रॉक स्टार ऑफ पाकिस्तान आयशा जी। सजना सच तो ये है, झूठा हूँ मैं सजना, सजना जा। जी हाँ, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली अली अजमल। नहीं ये और सीरियस हो ही नहीं सकता अली भाई, क्या मान लिया कुछ सीरियस चल रहा है इसकी मूंछों से धोखा मत खाना इसकी। हाँ अभी अकेले अकेले बैठे हैं, इसलिए सीरियस होंगे अली भाई। असल में बात इतनी है कि मैं लाहौर से आया, थोड़ा सा वैसे ही डिसओरिएंटेड चल रहा हूँ क्योंकि जेट लैग हो गया होगा ना लाहौर से। जेट लैग भी चल रहा है, दूसरा खौफ भी बहुत है कोई करीब से मोटरसाइकिल गुजर जाए तो मतलब वो आ तो नहीं गया, बारी आ गई, बारी तो नहीं आ गई, तो ये भी एक चक्कर है। फिर वो आपको एक और जगह ले गए थे, वहां से फिर अच्छा। हम वापस आए हैं तो दो तीन घंटे से पूरे शहर में घूम गए। तो अच्छी बात है, इस बहाने हमने आपको कराची की सैर, पूरा शहर मैंने अच्छे तरीके से देख लिया, रिफ्रेश कर दिया कराची। अली भाई फिल्म कैसी जा रही है ये बताएं मुझे। फिल्म बस जा रही है, मैं उसको अभी तक पकड़ नहीं सका। प्लीज हैव अ सीट। हां जी वो भी कर लेंगे किसी दिन। नहीं बैठने को कह रहे हैं। अच्छा बैठिए इस तरफ। हां पक्का है, फिर सोच लो तुम्हारा फायदा है, देख ले बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं ताकि मैं जाऊं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बातें करते हैं, कुछ मस्तियां करते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं, सुकै मत जाइएगा। आई विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ भाई कैसी जा रही है ईद घर पे, सेवैयां बन गई, खीर खुरमे खा लिए, क्या बात है क्या बात है, थोड़े से हमारे लिए बचा ले क्योंकि ईद एक वाहिद दिन होता है जिस दिन मैं भी कुछ खा लेता हूँ मीठा मीठा, वरना तो पूरा साल ही जो है वो इसी तरह से गुजरता है। मानी ईद की शॉपिंग हिरा के साथ होती है या अलग होती है? नहीं, नहीं वो हिरा कुछ खुद ही कर लेती है बहुत सारी। अच्छा, और जब वो बहुत सारी कर लेती है तो फिर वो उसके बाद गुंजाइश बचती नहीं है। हाँ बचती नहीं क्योंकि वो माशाल्लाह उसका एक अजीब सा होता है कि यार कल से हम ये नहीं करेंगे और ये हमारे अब हमारी सेविंग है और उसी के दो घंटे बाद अगले एक हफ्ते हम टिंडे खाएंगे और उसके दो घंटे बाद वो 200 करोड़ की शॉपिंग कर लेती है माशाल्लाह। तो अंदाजा है कि कहाँ तक जाती होगी शॉपिंग? पीछे से कभी कुछ 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 काफी हो जाती है। अच्छा काफी 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 ईदी देते हैं मानी या नहीं? नहीं देते, मैं छीन लेती हूं। वाह ये अच्छा है, हम एक्चुअली कराची के रहने वाले हैं तो छीनना हमें आता है। आपने क्या गिफ्ट दिया माशाल्लाह? मानी को मैं बहुत सी चीज देती हूँ लेकिन इसको पसंद कभी नहीं आती। ये क्या ले आई हो तुम, ये तो कलर मैं नहीं पहनता, लेकिन फिर तो उसको मेरी पसंद बिल्कुल पसंद है। बिल्कुल पसंद है। अजीब अजीब चीजें ले आते अली भाई। बच्चों के बाद ईद कुछ चेंज हुई? जब हम छोटे होते थे तो ईद सिर्फ हम लोगों के लिए होती है। हाँ। अब बच्चों की ईद होती है, हम तो वो एक सफेद शलवार कमीज वो हर शादी पे भी चल जाती है। हाँ। नमाज पे भी चल जाती है, तो बच्चों की होती है और वो पूरी जो प्रेपरेशन है और वो जाके चूड़ियाँ लाना और वो गोटे वाले कपड़े और वो और मेरी तो बेटियाँ, उन दोनों को बहुत शौक है। अच्छा टू प्ले ड्रेस अप, वो दोनों बहनें हैं ना एक तकरीबन एक एज की हैं, 15 महीने अपार्ट हैं, तो दे ऑलवेज डूइंग समथिंग और द अदर, कोई ड्रेस अप हो रहा होता है, कोई मेकअप क्लास चल रही होती है, कोई नेल पॉलिश, कुछ ना कुछ। बेगम कुछ खाना वाना बनाती हैं स्पेशल? आपकी बनाती हैं? बिल्कुल। मेरी तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल गुड। तो आप जाते हैं ईद की शॉपिंग पे या नहीं जाते? नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो चार चार साल गुजर जाते हैं इन्हीं टी शर्ट्स में, फिर कहीं इधर उधर जाता हूँ, $5 वाली टी शर्टें उठाता हूँ, सबसे सस्ती जो
कहीं गुम जाए तो दुख ना हो, तकलीफ, महंगे कपड़े नहीं खरीदता मैं। वाह भाई यार, कितने कफायतचार इंसान, मलंग आदमी है ये हमेशा से। डिजाइनर्स ने ये मसला हल कर दिया है एंकर्स का और एक्टर्स का, पहले ऐसा नहीं होता था वैसे, पहले तो आप खुद खरीदते थे। हमारे साथ अभी भी ऐसा नहीं होता। मैं इनके लिखे हुए, मैं राइटर था फखरे आलम का, और मैंने इनका एक शो बकायदा लिखा, तो मुझे उस जमाने में तो आपको कपड़े अपने होते थे, अपने उस जमाने में किसी भी कपड़े में फिट आ जाता था, तो अपने होते थे, किसी के होते थे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो अपने सिलवाने पड़ते हैं और हर दफा नए, शुक्र करो जूतों का साइज नहीं चेंज। गुड पॉइंट है अली, जूतों का साइज वही है। आज फखर ने जूते बड़े टैट पहने हुए, टैट 16 मगरमच्छ मरे थे तो फिर ये जूते पैदा हुए। नीलम शॉपिंग करती है ईद की, मेहंदी लगवाने जाना, चूड़ियां, या जब से इंडस्ट्री में आई तब से कुछ कम हो गया ये? नहीं नहीं, मैं अलाउ ही नहीं करता इनको। भाई एक पार्टी ने क्लेम डाल दिया पहले से, क्लेम आ गए। हमारे यहाँ माहौल बहुत कंजर्वेटिव है। कौन सा माहौल है कंजर्वेटिव? इसका मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव मतलब 2-2 किलोमीटर दूर रहना। अच्छा, तो मैं नीलम से बात कर लूँ? इजाजत ले लें, इजाजत ले लें, फिर बात। इजाजत है? नहीं आप नहीं, इजाजत है नहीं है, आगे चलो। इसको ग्लास खींच के मार, ये जो उठाया है ये कुछ मार इसको। मैं बता दूं, ये ले मैं आपके लिए। अरे भाई इतने सालों तक सिंगल रहेंगे तो ऐसे होगा। नीलम, नीलम मैं दे देती हूं, कोई भी आ जाएगा बता रहा हूं। फरियाल क्या हालचाल है? अचानक जी वेल, शॉपिंग का आप तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, जब भी ईद के लिए जाना है मगर रिकॉर्डिंग में शूट्स पे इतने बिजी होते हैं। चांद रात को भी शूट चल रही होती है ऑलमोस्ट। Wow. Almost. लेकिन ये होता है कि छुट्टी जल्दी हो जाती है, मगर चांद रात को आप बाजार नहीं जा सकते। अच्छा, तो उसके लिए मेरी अम्मा इज बेस्ट, वो हमेशा मेरे लिए शॉपिंग करती रहती है, तो मुझे ईद वाले दिन बड़ा इजी रहता है। चांद तो... रात को मैंने सॉरी करती हूँ, मैंने एक एक्ट्रेस को देखा था, उन्होंने पूरा ऐसे कपड़ा लिया हुआ था मुँह पे, और वो चांद रात को मॉल में, मैं कहती हूँ अगर करीना भी होगी तो वो भी ऐसे नहीं मुँह छुपाएगी, वो ऐसे वो भी गिरा भी रही थी, फिर छुपा भी रही थी, फिर गिरा भी रही थी, नाम नहीं है, नाम नहीं थी, ऐसे लोग खुल के बात करते हैं। बात ये है कि फैसल हम बहुत खुल के बात करते हैं, आज हमें ना खोलो, आज हम मत के बात करेंगे। अच्छा ठीक, देखिए बात ये कि हीरा ये कहानी बता रही है, नीलम थी नहीं, बची कौन? कौन? फरियाल। फरियाल मैंने आपको कहा था कि दमदमा से आगे ना जाएगा। यू हर्ट मी, ओके, डू नॉट इवन टॉक टू मी। I am also hurt, but I don't know. यार आप देखें यार, वो उनके बीच में फखरे आलम बैठे हैं। हाँ, ये वो उनसे पूछे। मुझसे पूछ के आ रहे हैं। उनसे पूछे। वो तुझसे पूछ के आ रहे हैं, तो तू इधर से पूछ के जा रहा है। ईद का मजा पाकिस्तान में ज्यादा आता है या दुबई में? पाकिस्तान में बिला शुबा, पाकिस्तान में ज्यादा मजा। अच्छा, सारे दोस्त यहाँ पर है, सारे दोस्त यहाँ पे, घर वाले सारे यहाँ पर है, और जब तक के देसी तड़का पाकिस्तान का तड़का ना लगे आपकी ईद पे, तो उसका मजा जो है वो अब यू नो आता ही नहीं है, आता ही नहीं है अभी। पता नहीं ईद पे, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ फॉर योर न्यू बिजनेस जो आपने लॉन्च किया। थैंक यू, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत खुशी है। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, उन्होंने कहा ईद वाले दिन ईद ही मिल गई, सो आज फखर भाई की तरफ से आपको ईद ही मिल रही है। कांग्रेचुलेशन, और आपके चक्रों में हमारा भी कुछ हो जाएगा। तो आप एक काम करें, मेहमान हो जाएगा भाई, ये तो कॉम फैसला कर ले कि ये इनमें बांट दिए जाए या आप लोगों को दिए जाए। खत्म हो गया फैसला हो गया। लेकिन पूरे रमजान माई बटा है अब यहाँ की भाई हमारी कैसे कैसे को दिया है, अपना भी कोई सीन करा रहा है। फरियाल छोटों को ईद ही देती हैं आप? बिल्कुल देती हूँ। और ईद फैमिली के साथ होती है या अकेले? ईद अभी तो अकेले होती है पिछले 3 साल से, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली अमेरिका में है ना। तो आप फैमिली बनाए यहाँ पे? ये एक्चुअली इन्होंने शो ऑफ करना था कि फैमिली अमेरिका की, वैसे गुजरात की लड़की। गुजरात गुजरात, ये आप मुझे मार रहे हैं? नहीं, तेरे पे नोट निछावर कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं तेरी परफॉर्मेंस। तो आप गलत कह रहे हैं, वो डेरा गाजी खान की, ये गुजरात की। लिसन, डू यू हियर मी थ्रेट यू, ये सर पे मारूंगी मैं आके, अब चुप हो जाओ। ईद मुबारक फरियाल। फरियाल कुछ ईद वाले दिन घर पे पकाती हैं आप? नहीं। ये लड़कियों से मेरा, तीनों लड़कियों से ये सवाल है,
ईद वाले दिन कुछ पकाते हैं? भाई लड़की तो ये तेरा तो पानी को पकाती है, हमें ये बात तो पता है। मुझे फैसल नहीं होगा, ये तो लड़कियां ही नहीं पकाती होंगी। मैं भी जब लड़की थी नहीं पकाती, क्योंकि मैं माँ हूँ, एक खातू, एक औरत हो चुकी हूँ, मियां होते बच्चों की जिम्मेदारी, तो पकाना पड़ जाता है फॉर ससुराल वाले। मानी तू बड़ा जुल्म कर रहा है यार। वैसे अली आपने, आपको चेंज नजर आया मानी भाई, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं भाई। हमारे ऊपर आ गई ये सारी बात, रुक रुक के बात करता हूं, हमारे ऊपर आ गई सोच के बात करता हूं। सारा नजला जो है सर मानी की तरफ आ गया है। और खाने की बात हो रही है तो हमारे सेट पे भी एक फुप्पो है, मेरा मतलब है क्या हो गया आपको, फुप्पो फुप्पो से क्या मुराद, फुप्पो से क्या मतलब, अगर वो झूठियां करता है सेट पे आगे, वो झूठी बातें करता है, झूठे वादे करता है, तो इसका फुप्पो हो गया। आप साधक देखो खुले फुप्पो बोलेंगे, नहीं वो नहीं है, हरकतें फुप्पो वाली है लेकिन है नहीं। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, माफी हो जाते हैं, आपको कहना ही नहीं चाहिए था, फिर ये बात मुंह से निकल गया यार, मुंह से निकल गया ना, फिर ठीक है। तो हमारे सेट पे भी बड़ा मजे का खाना बनता है, और पूरा रमजान जो है बड़े मजे मजे की डिशेज उन्होंने हमें बना के खिलाई है। अच्छा ना, लंबे नहीं करे ना, सीधा बोले सादत आओ यार, सादत प्लीज वेलकम सादत, माशाल्लाह से जब से आपने दूध पीना शुरू किया टोपी तो बड़ी हो ही गई है। एक बात बताएं, इसमें से आप कबूतर कब निकालेंगे? क्या हुआ, किस तरह आना हुआ? कुछ तो बोले, माइक भी लगा हुआ है, माइक भी आप बोले साथ भाई, क्या बना के लाए? ये बना के लाए ना, ये बना के तो लाए, बना बना ऐसा आया था, इन्होंने सही किया उसको। रुको ना, कहाँ जा रहे हो? आज कोई डाइट नहीं है, बिल्कुल आज आज खाना पीना है, आज खाना है बिल्कुल, ईद वाले दिन वाह वाह, मुर्गी तो ऐसे आई है, जरा बस के ऊपर आई हो, मुर्गी सेटअप कर रही थी, बना ली मुर्गी, क्रंचेस कर रही थी, क्रंचेस करते हुए, क्रंचेस करते हुए मुर्गी बोर हुई थी आपकी थोड़ी। दैट लुक्स लाइक आदि, ये नहीं देखे आपने इतनी बड़ी बात, देखे फरियाल आपने इतनी बड़ी बात, फरियाल आज हर चीज में आदि नजर आ रहा है, अब तो आदत सी हो गई है। हाँ बिल्कुल, और क्या ले आए भाई? ये पड़ोसियों से मांग मांग के ला रहे हैं। हाँ क्या कर रहे वाह वाह आदि भाई, ये क्या क्या बना लिया वैसे? बहुत यार आज मुझे लगता है कि कीमा बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा तो कीमा कहाँ है इसमें? अब तक कीमा ही नहीं आया। चलो भाई गलत रेसिपी याद कराया, गलत पर्चा पकड़ा दिया किसी ने। दम का कीमा है। अच्छा दम निकल जाएगा आपका खाने के बाद, कीमा इसको ये वाह वाह तीन जगह पे। लेकिन जो आपने ये तैयार किया है ना कमाल, ये कितनी देर मैरिनेट किया था आपने? नहीं जा भाई, अच्छा वो भी जा नहीं रहा। अच्छा तो आपने आज बनाया दम का कीमा, शीर खुरमा, शीर माल, साथ में कबाब, नगेट्स, टिक्के, बिल्कुल, और ये कबाब थे, ये कबाब थे, अब क्या है? अब शामी कबाब है। आप लोग अगर कुछ खा सकते हैं, आपको दिल करे तो आ जाएं, आ जाएं, आप लोग खा सकते हैं, शो के बाद आप लोग आ जाएं, खाएं पिएं एंजॉय करें, मजे में बैठें, आइए आप लोग, आए ना आप लोग, खाते ना आप लोग, खाएं ना आप लोग, खाएं ना, क्यों नहीं खा रहे, आइए खाएं, ये नहीं खा रहे आप लोग, खाइए, खाएं ना आप लोग, सॉरी मगर भाई कोई मत, सॉरी खाइए, ऐसे मौके पे मुझे कोई टेंशन नहीं, खाते हुए आप अपनी सीट छोड़ रहे हैं, खाने के लिए दोस्तों खाएं सब कुछ, वो हमें लग नहीं रहा है, हम क्या कुछ छोड़ सकते हैं, ये इस बात से अच्छे तरीके से मार पड़ना शुरू हो गई इधर, उसको मार पड़ना, ये फैसल क्या बंस रोड का टच आया है, मैंने कहा जरा बैलेंस हो जाए, हमारी फैमिली खुश है, अब सही लग रहे हैं, अब सही लग रहे हैं ना। और फखर भाई हमारा खाना लेके पब्लिक में चले गए, हमारा खाना था, प्लीज प्लीज आदि हमारा खाना था, आदि खुश आदि आदि नहीं उठेगा, आदि उठ जा भाई, अगला शो भी होना है अभी, चले फिर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, और ये लोग ब्रेक के बाद जो है आप मेरी बात, एक और सेलिब्रिटी भी है ब्रेक के बाद जिनको हम यहाँ बुलाएंगे, उनको ब्रेक गाइए।
शो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी एक और मेहमान है जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। 90 की दहाई से लेके आज तक माशाल्लाह टीवी स्क्रीन्स पे छाई हुई है। जब भी उनके बारे में बात की जाए तो यही सब कहते हैं कि जी सुपरस्टार ऑफ टेलीविजन, बिल्कुल कोई शक नहीं है। और मजे की बात ये बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला सीरियल भी उनके साथ किया और जिंदगी का सुपरहिट सीरियल भी उनके साथ किया, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। सो प्लीज वेलकम मारिया वास्ते। ये रमजानों में एक दिन थोड़ी सी डांट पड़ गई थी तो आदि भाई को जैसे ही आती है आदि तरावी पढ़ना शुरू हो जाए। ये बताएं कि आजा उसकी में आगे कैसा लग रहा है आपको, ऐसे बताएं। बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसे ऐसे हो रही है। समंदर में होती ना सर ये बेसिकली। जी भी और हाँ भी। अच्छा आपके आप लोग इससे जवाब देंगे? जी जी ये हमारी तरफ से जवाब ही समझे। ये बिल्कुल हम जवाब ही समझे। मारिया कैसी है, ईद कैसी जा रही है? बड़ी अच्छी, आपके पास आ गई हूँ अब तो ईद। अरे वाह क्या बात है, वाह वाह। जाओ जाओ चलो सुलह सफाई कर लो, चलो इसपे हम तालियां बजाते हैं। And a good gesture by Adi. अबे तो आगे करना, लंबा हो रहा है भाई, इतना लंबा सीन ना करो। आइए वो आज मैं पूरी दुनिया के सामने कहना चाहता हूँ कि नीलम जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये आज फिक्स है भाई, वहाँ पे मारिया बहुत प्यारी लग रही, इतना अच्छा लगे रेंज से बाहर रहो चिड़ी चिका के लिए। हाँ ये शुरू होता है लपड़ी से बाल वाले, क्योंकि मारिया की खूबसूरती से तो अक्सर लोग हलाक हो गए, लेकिन अब वो जब वो ये रैकेट मारेंगे तो क्या हाल। अगर मारिया जी कहेंगी तो मैं अपने हाथ से पकड़ के अपने सर पे मार दूंगा। चलो मैं कह रही हूँ शाबाश, इस बात पे तालियां। वो मार भी लेगा, जोर से अपने सर पे मारो, जोर से अपने सर पे तोड़ दे आज। इसलिए मारा था ठरकी। ये मार भी लेगा मुझे पता है। उसका काम भी हो गया और मेरा काम। आदि तुम बहुत बड़े एक्टर हो, तुम्हें अब मैं सीरियल में कास्ट करने वाली हूँ। बिल्कुल इंशाल्लाह। हल्के बोल के तशद्दुद के बाद चले एक चोट से सीरियल तो मिला। गोलियां ना मार ली अपने आप। अच्छा चले गेम का नाम है, गेम का नाम है ये भी ठीक है, ठीक है। हम आपसे एक एक सवाल करेंगे, आपने इस बोर्ड के जरिए हमें जवाब देना है कि क्या आपने वो किया है या कभी नहीं किया, ठीक है जी। सबसे पहला सवाल ये है, कभी कभी का ऑप्शन क्यों नहीं है? जी हाँ, कभी कभी मैं क्यों बीच में रख देगा डंडा, यू टेढ़ा रख दिया, समझ जाएंगे कभी कभी किया है। नहीं सवाल ऐसे हैं जिसमें जी हाँ और कभी नहीं होगा, और कभी कभी तो बता दीजिएगा। कुछ किया और वो होते होते रह गया हो फिर। हाँ ये वो हाँ, वो इसका मतलब कर दीजिएगा, इसका मतलब है उसने आप भी सुस्ती थी कहीं ना कहीं। चलो सवाल पहला सवाल ये है, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग लाइव शो में गए हो और आप लोगों को हिचकी आना शुरू हो गई लेकिन आप उसको रोक ना सके? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जी हाँ जी हाँ। आपके एक मुखालिफ चैनल के ऊपर एक टॉक शो में गया था और हिचकियां लग गई थी लाइव के बीच में और वो जवाब देते हुए मुसलसल कह रहा था तो यू अगर इसको हम लोग इसको ये हो रहा था मेरे साथ एक्चुअली हुआ है। फिर आपने इसको रोका कैसे? वो इन्होंने हिचकियां मारने शुरू की, न्यूज कास्ट में कहते हैं इनके सिग्नल जरा थोड़े कम आ रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। चलिए जी अगला सवाल। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने फैन को गलत नंबर दे दिया? जी हाँ हमेशा हमेशा। नीलम ने और फरियाल ने नंबर दिए फरियाल। अरे भाई लेकिन उनके फोन नहीं आए। अगर लड़कियां हो तो उनको सही नंबर दे देते हैं कभी। अब ये चॉइस चॉइस की बात है, आदत आदत की बात है। ये तो हम नंबर दें तो हम लोग आवारा, आप लोग नंबर दें वो तो बात ठीक है। बॉयज आप इनके नंबर
नीलम और इनका नंबर चला दे अगला सवाल ये, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग बाथरूम में मुंह धो रहे हो और साबुन मुंह पे लगाओ, एकदम से नलके में से पानी आना बंद हो गया हो और घर में कोई ना हो? मेरे तो रोज होता है भाई, होता है नहीं तो फिर आप क्या करते जब अगर ऐसा हो जाए मुंह पे साबुन लगाओ और कोई आ ही ना रहा? देखो मुंह पे साबुन लगाओ ये तो आसान बात है, नहाने वाली बात करो तो बात है। तौलिए से उतारा और मुझे पकड़ा गया तो उन्होंने कहा तो मुंह पे साबुन लगवा लो। कभी आदि ऐसा हुआ नहाते नहाते साबुन का इस्तेमाल करते हैं, नहाते नहाते कभी साबुन इतना सा हो गया तुम्हारा फिर वो फिसल जाए, फिर वो तुम ढूंढो और साबुन लगाओ वो मिलना। बहुत सही गलत, देखिए हमेशा ही ये होता है कि जब मैं नहाता हूँ तो तुन्नी तक साबुन इतना सा रह जाता है, ऐसा हुआ उसके बाद मैं बेसन लगा के उसको खा लेता हूँ अंदर से भी साफ और बाहर से भी साफ। वाह वाह वाह, अगला सवाल। ये जो आपने मारा था ना इसका नतीजा है? की बातें कर रहा है ये, वो खाने का नतीजा है जी। अगला सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप लोग किसी एक क्लास में दो या तीन दफा फेल हुए? कभी नहीं। दो या तीन सारी चीजें सर एक दफा कहां कब कैसे लायक, लेकिन नाम का नाम कट जवाब ही नहीं दिया, यही रखा बोल। और लेकिन मैंने कुछ किया था, मैंने कुछ करके आगे मैं कुछ निकल गया था आगे आपकी जेब में कैश ना हो और एटीएम कार्ड हो और वो उस वक्त चला ना हो गए लेके गया सारी शॉपिंग कर लिया, एटीएम कार्ड नहीं तो फिर ऐसी पेमेंट नहीं मिली होती पीछे से ले जाते हैं। मैं लोग तो एक दफा एक फिल्म की शूट पे थे तो हम लोग खाना खाने चले गए, मैं और पप्पू सम्राट, और उसने मुझे उठाया चल चल खाना खाने चलते हैं। तो हम दोनों चले गए, खाना खाया, आइसक्रीम भी खाई, बड़ा कुछ खाया, उसके बाद कहता तू दे बिल। मैंने कहा भाई मैं तो पजामा और बनियान में हूँ, मैं कहाँ से दूंगा, तू लेकर आया तू खिला, नहीं तू दे पैसे। कहता नहीं मैं तो पैसे नहीं लाया। उसके बाद हम उस वक्त मोबाइल शोबाइल थे नहीं, टॉकिंग अबाउट 94-95 सारे एक दूसरे के खर्चे पे चलते हैं। हाँ, तो हमने फिर प्रोड्यूसर को फोन किया, हम इस्लामाबाद में थे, स्किल भी आया, उसने क्यों नहीं किया, तो तब तक हम वहाँ बैठे खाते रहे। फैसल मेरे साथ तो बहुत सारे एक्टर्स या फ्रेंड्स या यू नो, एक दफा इनफैक्ट शूट पैकअप हुई तो डायरेक्टर ने कहा कि आज लास्ट डे कास्ट को मैं खाना खाऊं। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे गए तो किसी के पास भी पैसे नहीं थे और डायरेक्टर का कार्ड नहीं चल रहा था, तो मैंने पे किया। नहीं समटाइम्स मुझे लगता है कि यार व्हाई मी। आप अगर कभी अदनान सिद्दीकी के साथ जाए ना तो पैसे आप ही देंगे, पैसे आप ही देंगे। अगर आप कभी अदनान सिद्दीकी के साथ जाए तो वो अक्सर वॉलेट भूल जाते हैं। बाद में अदनान के पास थे, हम एक मीटिंग कर रहे थे। अगला सवाल, अगला सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ कि ऐसा आर्टिस्ट जो आपकी उम्र से डबल हो और वो ये नाम मानने को कि वो आपसे उम्र में बड़ा है? नहीं कभी नहीं, कभी जी हाँ जी हाँ वाले नाम बताएं। फैसल कुरैशी, अली भाई आई लव यू, माशाल्लाह जी थोड़ी सी इज्जत बची थी वो भी पूरी हो गई। आप तो ये भी नहीं कह सकते। अगला सवाल ये, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग रोड पे जा रहे हो और बिना किसी वजह के किसी पुलिस वाले ने आपको रोक के तंग करना शुरू कर दिया? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कभी नहीं। आपके साथ नहीं हुआ? क्योंकि वो किसी वजह के बगैर नहीं तंग करते अच्छे लोग। वजह तो कोई होगी, क्या वजह थी? वजह नहीं पूछी हमने, वजह तो बताएं। आप
अक्सर होता है हम कभी रात को निकलते, टीपू को बहुत कॉन्फिडेंस होता है उसको सब जानते हैं और अक्सर हम बढ़ जाते हैं, अक्सर इंटीरियर सेंस से लोग होते हैं, टीपू होते हैं सब जानते हैं और मैं कहता हूँ नहीं टीपू नहीं हर दफा नहीं चलेगा, नहीं ये तू कर रहा है एकदम बड़ी शदीद जलील हुई, उसको बोला मेरा ये सील, मैं तो चुपचाप बैठ गया कुछ भी नहीं, मैं तो आते ही नहीं। उस बंदे ने बकायदा का गाड़ी के कागज़ तो होते नहीं हमारे पास, उसके बगैर ही चला रहे थे गाड़ी, तो बड़ा लंबा हो गया, बहुत लंबी कहानी होगी, फिर कोई थाने में कोई जानने वाला फिर बिलाकर निकल आया और टीपू को मैंने कहा कभी ना बोला कर कि मुझे सब जानते हैं लेकिन लंबा हुआ लंबा हुआ, लेकिन मुझे भी एक दो दफा तंग किया, ये तो उनका हक है यार। नहीं नहीं, और उसके बाद अली भाई हाईलाइट सुने, उसके बाद क्या कहता है, कंधा सिर्फ तुसी एक्टिंग कर सकते हो साठी पे की बकायदा रोक के मुझे 10-15 मिनट उसने हरास किया है, जब मैंने कहा भाई तुझे हो क्या गया है यार, कंधा सिर्फ तुसी एक्टिंग कर सकते हो यार, क्या बात है जी। अगला सवाल, अगला सवाल ये कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग किसी शादी में गए हो और लोगों ने दूल्हा दुल्हन को छोड़ के आपको पकड़ लिया और बाद में दूल्हा दुल्हन ने आप लोगों से कंप्लेन की हो? मेरे साथ हुआ इस तरह एक बार, ये दुल्हन मेरे साथ भाग गई। क्या हो गया, क्या भाग गई? जी हाँ, एक मिनट, क्या हुआ, क्या आपके साथ भाग गई, क्या 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 हुआ, आपके साथ भाग गई? एक मिनट, हाँ जी भाई, कैसे तोड़ी नहीं सी, नहीं सर कोई नहीं, मजाक आप मजाक कर सकते हैं, भी एक्टिंग कर सकते हैं, घर भी जाना है, घर में बता गया था मेरी हर बदतमीजी नजरअंदाज की जाए, अच्छी बात है कि मेरी बेगम टीवी देखती नहीं जाती। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाह करे आज देखें, और यही क्लिप ना फेसबुक पे लग जाना है, और ये लगे नहीं फेसबुक पे यही क्लिप लग जाना है। सही बात है, बिल्कुल पैंतु सीधे गए। हाँ अच्छा जी, माशाल्लाह आप सब बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग एक्टिंग कर रहे हो और किसी डायरेक्टर ने आके बहुत गुस्से से आप लोग को सबको सामने डांटा हो, बहुत जोर से डांट पड़ी हो? बचपन में, बचपन से 55 तक का सफर कैसा रहा? बड़ा अच्छा, आपके साथ ही गुजरा है, आप ही के साथ गुजरा है, किससे हरियाणा में? अभी भी 56, हरियाणा में भी 56 डांट खाई, किससे डांट खाई? मैंने नहीं खाई। तो तुमने जीने लिखा क्यों किया था? आपने जीने लिखा था, जीने लिखा तो है, मैंने कभी नहीं कहा। और हिना ने किससे डांट खाई? पहले फरियाल से पूछ लो, तुम लोग पहले उससे पूछ, फरियाल से पूछ, नहीं नहीं तुम बताओ। यार हाँ डांट तो ऑब्वियसली नीलम ने भी खाई, नीलम ने भी जी हाँ किया, डांट तो पड़ जाती है और अच्छी बात है। एक डायरेक्टर था जिससे बहुत लगती थी, फड्डे भी बहुत होते थे, डांटता भी बहुत था, सुनता भी बहुत था, और मैंने और नीलम ने बहुत काम किया उसके साथ, बाबर, बाबर के साथ बहुत ज्यादा, मैंने कभी नहीं किया, उछलता रहता था सड़क के ऊपर, और थोड़े दिन के बाद ये हुआ था, वो भाई डांट रहे होते थे और हम यूं होते थे, हाँ चलो आओ अपना सीन तो करें। मुझे एहतिशाम ने बहुत जबरदस्त डांटा था और एहसन खान मुंह उधर करके हंसा था, गलती उस एहसन खान की थी जिससे डांट मुझे पड़ गई थी। हो जाता है कभी किसी एक्टर की वजह से किसी को डांट पड़ जाती है, बहुत एहसन खान ने बाबर से एक दफा, और वो उन्होंने भी ऐसे नहीं किया था कि मुझे डांटा था, उन्होंने इधर उधर कहीं डांटना शुरू कर दिया था कुछ ऐसे, और वो तो बाल भी पुटना शुरू कर देते थे अपने, मेरे नहीं तो उनसे, बट वो मेरे टीचर। क्या कभी किसी अदाकार या अदाकारा से शदीद लड़ाई हुई हो और इतना गुस्सा आया हो कि उसे गोली मार दे? नहीं नहीं, गोली तक आंख मारी थी इसने, लेकिन गोली नहीं मारी, मारिया ने बचा लिया था जिसको मैं मारने लगा था। लेकिन अच्छा सादत भाई ने बोर्ड उठाया था, सादत तो खाना बना के बनता नहीं ना सादत का, मारिया ने बचा लिया था एक सेट पे, बहुत पुरानी बात है, बकायदा फड्डा हो गया था मेरा और बाबर अली का, और मारिया ने बचा लिया था, वरना मैं बहुत मार। अब ये नहीं पता कि इसको बचाया था कि उसको। एक शो में एक अच्छी बात है, तुमने दोनों को बचा लिया था, एक स्टार को ये वाली लड़ाई देखनी पड़ती। पहले तुम मारो, पहले तुम मारो, पहले तुम मारो, पहले तुम मारो। अगला सवाल, मेरे साथ हुआ था कि एक शो में एक स्टार है जिनसे ये कमिटमेंट हुई थी कि मैं इस वजह से मानी की शो में आऊंगी कि ये मुझे एक फूल, जिस तरह ये फूल आपने दिया वो भी देगा, याद है? हाँ। और वो शो स्टार्ट हुआ, वो लाइव शो था, और स्टार्ट हुआ, मैंने उनको फूल दिया और एक गाना जो उनके नाम पे जा रहा था वो गाना भी चला, और फिर अचानक से मेरे दिमाग में शरारतें और वो जो सवाल थे, दिमाग वो क्या नाम है, आने शुरू हुए, तो बीच में जो ब्रेक थी वो 48-50 मिनट्स की ब्रेक थी, और उस पर जो फड्डा हुआ था वो रिकॉर्ड हुआ था, फिर उन्होंने डिलीट किया था, और वो आता तो बड़ा फंडा किसका हुआ था, बेगम वो मेरा हुआ था, और नहीं मैं तो बिल्कुल सेफ प्ले कर रही थी, नाम तो बताया ना, नाम तो बताया, वो जिन लोगों के नाम के साथ खान लगे होते हैं उनके वैसे यार
इस बात पे तो मैं आपसे गले मिलना चाहती हूँ। क्या आपने दूरी जी अगला सवाल जी जी अगला सवाल मानी और हेरा से नहीं है क्योंकि उसका जवाब हमें पता है। कभी ऐसा हुआ है कि बचपन में आपको अम्मी ने जूतों से मारा हो? अरे अरे अभी मुझे पता है इसलिए मैंने कहा इन दो से नहीं है, या यकीनन मारा होगा। या वैसे कभी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कब ऐसे जूतों से कभी उन्होंने वॉश पुराने डस्का के वॉशिंग मशीन आती थी लोहे की, तो मैं कहीं से कोई हरकत करके आया तो उन्होंने मुझे देखते साथ ही ना कपड़े धो रही थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आई, उन्होंने वो ढकना उठा के उससे मुझे मैंने भी देखी। किस कारनामे पे आपकी इज्जत हुई थी फरियाल? क्या वो पढ़ती रहती थी चप्पल से लेकर मार पड़ी क्या? अच्छा मुझे जिंदगी में एक थप्पड़ पड़ा है सिर्फ, बस अम्मा से। उसके मतलब कि सही कहते हैं कि मार से बच्चा खराब ही होता है। हाँ आजकल आजकल ये हो गया, आजकल ये हो गया स्कूल्स में, और ये आजकल का जो नया मारना चाहिए यार बच्चों को। साजिद भाई आपको नहीं पड़ी मार? वो इंग्लैंड में होता है, हमारे लिए कैची है, कैची कैची कुछ काट रही होंगी ढंग से आई है। वहीं से बस मैं शेफ बन गया। अच्छा जी अगला सवाल। हाँ जी अगला सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सेल्फी लेते हुए किसी फैन ने अपना बच्चा आपकी गोद में पकड़ा दिया? सब हाँ कहेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं ऑन एयर करना चाहता हूँ, जब आप सेल्फी के लिए हाथ उठाते हैं तो प्लीज ये याद रखा करें कि आपने डिओड्रेंट लगाया हुआ है कि नहीं। इसके अलावा जो एक और मेरी गुजारिश है कि जब आपका बच्चा सिर्फ 6 महीने और 8 महीने का हो तो ये मत कहिए कि आपका बहुत बड़ा फैन है और ये आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं हो सकता हमारा फैन, वो बेचारा बोल भी नहीं सकता है। उसको बाप भी 1.5 साल की उम्र में जाके याद होता अच्छा है। कि वो आप हमारे फैन है, हम आपके फैन नहीं है। तस्वीर इस तरह खिंचवाए कि इसमें लगे कि आप हमारे फैन हैं। हम लोग खड़े हो और आप आने हाथ रख ले ऊपर। इन्होंने बड़ी मजे की बात की। क्या तुम ऊंचे क्यों बोल रहे हो? बातें कर रहे हो। बड़े मजे की आप क्यों अकेले में मारिया से बातें कर रहे हो? मौका अच्छा है। उन्होंने मुझे वहां से उठवा के यहाँ भिजवाया है, मैं बैठूंगा उनके साथ। यहाँ कुछ पकड़े मियां? हां ये पकड़े डेफिनेटली समथिंग इज कुकिंग। तुम टर्की जाना चाह रहे हो? टर्की जाना चाह रहे हो? टर्की में टर्की बना लूंगा। टर्की जाना चाहता है बुनियादी तौर पर। अच्छा ये बड़े मजे की इन्होंने बात की जो शेयर करना चाहती हूँ। पेरेंट्स कहते तारीफ करने का अंदाज भी देखे ना, बड़े अजीब अजीब तरीके से लोग तारीफ करते कि जी हम आपके साथ संभल के चलना पड़ता है ना। हां बिल्कुल एहतियात से बच्चे कि जी हम तो आपका प्रोग्राम लगाते हैं और बच्चों को बस छोड़ देते हैं कि वो देखते रहे कार्टून। अक्सर तो ये भी होता है कि हम जब कभी मिलते हैं तो वो बच्चा उठा के जब लाती हैं, कई खवातीन तो कह रही थी देखें इसकी आंखें बिल्कुल आप जैसी, तो हम काफी देर के लिए जो है वो सोच में चले जाते हैं कि नहीं तो ऐसा तो इसका मतलब क्या हुआ इस बात? इसका मतलब कि फैसल भाई आपकी एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिलती, इसका तो बच्चे से कैसे मिलती है? बिल्कुल सही बात है। इस बात पे बनती है ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम कुछ कहा क्या जरा एक मुख्तलिफ अंदाज से खेलने वाले हैं। आदि भाई ये बताएं, आप लड़कियों की टीम में जाना पसंद करेंगे या लड़कों की टीम में? चलें आज मैं लड़कों। प्रधान भाई आप आ जाएं लड़कियों की। आज मैं लड़कों के साथ। आप सपोर्ट करेंगे लड़कियों की टीम को और आप सपोर्ट करेंगे लड़कों की टीम। बिल्कुल। होना ये है कि आप पूछेंगी, ये लोग जवाब देंगे, ठीक है? और जिसके पास हेडफोन होगा उसको उसके साथी जो है बोलेंगे नहीं, लेकिन सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आप कितने करीब से बोलेंगे तो उसको आवाज़ आ जाएगी, ठीक है? सो यही आप लोगों को भी करना है, ठीक है?
दाना मैं लगाने लगा हूँ। पहली बारी ऑब्वियसली लड़कियों को देंगे कि वो पूछें और आप लोग जवाब दें। हाँ पहने जी। हेरा पूछिए। कीमा, आलू कीमा, कबाब, खीर। पूजा बोलो। बारबेक्यू। इशारे वैसे मना है या वैसे इतने इशारे नहीं कर सकते आप? चलो भाई क्या बोलते इशारे? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नोटों की घड्डी। दोबारा बोलो। नोटों की घड्डी। आप लोग हेल्प कर सकते हैं। गठी। नोटों की गठी। लड़कियों का हो गया एक पॉइंट। लगाइए मानी। अब पूछेंगी मारिया। ऊंचा बोले। जज्बाती हो गया। चाय की ट्रॉली। खाने की चीज। ऐसे काट ली गुस्से में। गुस्से में ऐसे काट ली। ये तो हमें नहीं समझ आ रहा। ये क्या है? अरे थोड़े से सही रखें। ये तो है मानी भाई कुछ ये क्या है? ट्रेन एक लड़की हमारी तरफ से कह रही है। ये कौन था? ये लड़की हमारी जो कोने बैठी है। ये पता कराओ कैसे? ये पता कराओ। ये गद्दार। ये लड़की है, लड़का पता कराओ। आप इस टीम में, आप इस टीम में और मेहनत कर रही है। आप लगाए नीलम। अरे चार कह के चार चार चाली भाई पूछे। वाह वाह वाह। खजूर का हलवा। कचौरी। खजूर। बर्फी। बर्फी। खजूर। चॉकलेट। खजूर का हलवा। तुम ही खाओगे यहाँ पे। क्या हुआ? नहीं अभी अभी खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ। जरा हमारे थ्री पॉइंट। नीलम पूछे। व्हाट्सएप चेक करो जरा। लड़के बहुत परेशान है। भाई जज्बाती। 2 पॉइंट हमारे ना। ये क्या है? बाबा व्हाट्सएप क्या इशारा किया आपने? अंडा कढ़ाई। हाँ बोलो। अच्छा इशारा कर रहा है एक आदमी। भाई माशाल्लाह बड़ी मेहनत से हम लोग हार रहे हैं। लीजिए आपकी बारी। कौन लड़की की तरफ है? आप पूछे बगैर। ऐसा क्या है? ऊंट की सवारी। आसान है। ये क्या है? नीलम हाथ। वो लड़की ऊंट। मुझे नहीं बोलना भाई। ऊंट की सवारी।
राउंड वन में लड़कियों ने जो है वो लमलेट कर दिया है लड़कों को। राउंड टू शुरू करते हैं। अरे यार आपसे ही शुरू करेंगे, लगाइए हेडफोन जी। आप पूछेंगे शीर शर्मा। आसान है, नहीं शाबो नहीं कर सकते, ये वाला इशारा नहीं कर सकते, नहीं वो इशारा नहीं, चीजों का इस्तेमाल खुद ही पकड़ लिया भाई। क्या कहे? ये पीछे तुर्की से बिल्कुल सही जवाब भाई। इससे इससे ये साबित होता है कि लड़कियां जो है ना इशारों में ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल व्हाट्सएप। अब कुछ मुश्किल वाला पूछे, आप पूछे चले। ईद के ईद के खराफात, खराफात, मुजाफात, अब्बा अब्बा की वो घर से समझा रहा है। अब्बा 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 उधर चला जा, अबे उधर चला जा भाई। अब्बा 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 की ईद, अबे जा उधर चला जा, अरे तू उनके साथ यार। अब्बा ईद हमारी साइड पे, अब्बा की अब्बा की गाड़ी। हां हां गाड़ी जा भी। अब्बा से ईद मिलने? नहीं नहीं नहीं। अब्बा 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 की ईद मुबारक। की आप पूछेंगे ये सादत अल शकूर से, आप पूछे फुफो से। छोटे छोटे बच्चे, हाँ बच्चों की ईद ही, बच्चों की ईद बच्चों के, देखो खाने की बातें, बच्चों की नौकरी, बच्चों की कचौरी, बच्चों की नौकर, खाने पीने की बातें करो, बच्चों की खीर, बच्चों को पढ़ाई करने, चोरी, पानी भाई आप बच्चों में बैठ जाते हैं क्या बात है? यार मैं क्या बात कर रहा हूँ? लाला का छक्का, लाला का छक्का, लाला का छक्का, लाला का छक्का, छक्का मिला हुआ छक्का। कौन आप लगा रहे हैं? फिर आप पूछो, यही पूछो, यही पूछ कौन रहा है भाई? मैं ससुराल की आमद। पहले इसका मतलब बताओ, ससुराल हमें क्या पता इसमें लिखा हुआ है? ससुराल ससुराल ऐसा बोले अरे यार परियाल बस। अरे खेल गेम तो खेले, अरे हम खेल रहे हैं, हम खेल खेल रहे हैं। अच्छा सादे भाई का ससुराल लिखो, सादे भाई बस गए ससुराल में। नाना लाल लाल ससुराल 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 कहाँ से लाया ससुराल? ससुराल आना मत ससुराल ससुराल बहन ससुराल की आमद, ससुराल की आमद। अरे वाह लेकिन हाईलाइट जो है
वो ससुराल वो ससुराल की आमद है। जरा दोबारा करके दिखाइए। ये आमद यार ये बेहतरीन एक्सप्रेशन थी। जैसे मैं पकड़ लिया ना पॉइंट का हाईलाइट है ससुराल एक खुशी इस बात की कि हमें से कुछ ऐसे मर्द हैं जिनका दिमाग अभी भी चलता है। क्या कर रहे हो? ये सेकंड फोर टू से जीत रहे हैं। ये ओवरऑल बात करें, जीत रहे हैं ये, हम जीत रहे हैं। चले आपसे मैं पूछता हूँ। हाँ ये पूछेगा, ये पूछेगा। बकरी का कुत्ता है? अबे तुझे मैं मारूंगा, फिर फेंट मार दिया, मर गया। बकरी का गुस्सा उसने पकड़ लिया। वो कानों पे लगा ही नहीं रहे, उन्हें मारी नहीं रहे। नहीं 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 पहना हुआ, सीरियसली पहना हुआ। वो पकड़ती है लिपस्टिक। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। ये बहुत फनकार है भाई, है ना? किसी के बुंदे आ जाते हैं कानों के बीच में ना, थोड़ी सी जगह बच जाती है, वहाँ से आवाज आती है। ये बात है, ये सारे मैं काम कर हमारे पास। मैं आप पांचों को एक चैलेंज देता हूँ कि आपने, हम हार गए भाई, कोई एक यूनिक वर्ड हेरा से पूछ रहे हैं। चले हाँ ठीक है, वो हम जीत गए, वो आप जीत गए, हम जीत गए। ये ले, चले इस पे हार और जीत का फैसला मुनस्सर है। मैं पूछता हूँ पकड़ लो जी। मैं पूछता हूँ, हाँ जी, पाओ हेडफोन वो कह रहे। इतने आगे कान किसके होते हैं? आल्टो दुखो की फफे कुटनिया तुम लोग सपोर्ट कर सकती हो। फप्पे कुटनिया, फप्पे कुटनिया, मनहूस पारी मजा। अरे यार और जेड़िया भी गाले बाहर है। मैं कुछ कहा क्या डेडिकेट कर रहा हूँ आज हीरा को। मानी मुझे अपने हारने का कोई दुख नहीं है। मुझे मानी के लिए आज बहुत दुख। मानी दूर अपने हार के दुख नहीं है, इसके लिए बड़ा दुख हुआ। मानी आज मैं समझा तू कितना दुखी है। कोई व्यवस्था नहीं। मानी मानी तुम दूर खड़े होकर किसी से फोन से बात नहीं कर सकते। ये मानी दूर खड़ा होकर किसी से फोन पे बात नहीं कर सकता। रीडिंग योर माइंड मानी, सीरियसली वाह वाह वाह। एक्चुअली होता यही है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं ये चाह रहा हूँ कि अली भाई यहाँ पर है, अली भाई थोड़ा सा कुछ गुनगुन हो जाए। यस मुझे रंग दे अपने रंग रंग, मुझे जीना तेरे संग संग, तुझे चाहे मेरा अंग अंग, रंगीला रंगीला रे। चले तो डोले। वेलकम बैक। और आई एम श्योर कि आप लोगों की ईद बड़ी मजे से गुजर रही होगी। हमारे पास इतने जबरदस्त गेस्ट हैं यहाँ पे, इतनी मजे की हम मजे की क्या बातें क्यों कर रहे हैं? खाली गेम खेलते हैं यार, बहुत देर हो गई। अभी तो गेम खेली हमने, कुछ कहा गया गूंगा लगा हुआ है बीच में। चलें भाई, इनका कॉन्ट्रैक्ट भी ले आए। तो क्या करना चाह रहे हो तुम यार? कोई गेम शेम खेले? ईद वाले दिन कौन सी बातें होती है? नॉर्मल शो में आते ना आपके पास। हाँ गेम खेले यहाँ बैठ के। यार यहाँ बैठ के खेले तो वहाँ लेके चलेंगे एक और जगह। हाँ एक काम करें, आप तीनों चले, आप तीनों जाए, हम लोग खुद ही संभाल लेंगे शो। हाँ एक और जगह हम लेके चलेंगे, बहुत मजे का गेम है। हाँ आ जाए साहद भाई, तो फैसल आप इधर आ जाओ। बहुत हो गया फैसल भाई, बहुत बताओ। हम गेम खेलेंगे, वहाँ जाके दो टीमें बनेंगी इसी तरह। अच्छा गेम का नाम होगा बूझ लो। बूझ लो चले फिर उधर चलो, आ जाए आ जाए वहाँ चले। नाज़रीन आपको बताते चले कि आमना 18 साल की लड़की थी, फेसबुक पे असद से दोस्ती हुई। उसने उसको एक जगह मिलने के लिए बुलाया। मिलने के लिए बुलाते ही जब असद ने बताया कि वो एक शेफ है, तो उसने उसको अपने किचन की जानेब बुलाया। किचन की जानेब बुलाते ही उसने जैसे ही उसके हाथ पे अपना हाथ रखा, तो उसमें से गाजरों की बदबू आ रही थी।
और अगली कहानी आपको असद खुद अपने मुंह से सुनेंगे। लेकिन देखें आप पहले हमारी बात सुने। जी आप यहाँ क्यों बिठाया भाई? ना भाई हमारी बात नहीं। इस गेम का नाम है बोझ लो। सालमो जवाब दो, सीट का हिसाब दो। हाँ, हम दोबारा बता दें एक दफा क्या करना है। हाँ, मैं एक कार्ड दूंगा आपको फॉर एग्जांपल, और आप अगर फर्ज करें मानी भाई गैस कर रहे हैं, आपके पास तीन हिंट्स होंगी। मानी भाई आजकल गैस कर रहे हैं, काफी गैस कर रहे हैं। हाँ, आजकल रमजान से ज्यादा गैस हो रही है। अच्छा, तो आपको आपने सिर्फ तीन हिंट्स दे सकते हैं और इनको वो गैस करना होगा। वर्ड है, ठीक है? लेकिन हम ये शुरू करेंगे खवातीन की तरफ से। गैस कराएंगी मारिया को, तीन हिंट से खाली। एंड गो। हम आपस में खेल रहे हैं? नहीं, आप सिर्फ अभी मारिया मारिया के साथ सिर्फ तीन। चेक चेक बाउंस दो दो मैनेजर बैंक। हाँ सही जवाब। वाह जी वाह, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, वेरी गुड। अली भाई को दो, बाउंस करा दो। हां भाई, बात अली भाई की। अली भाई आप फखर भाई को गैस कराएं। आप गैस कराओ। स्कूल 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 डंडा टीचर ये दो पे दो पे आया, दो पे आया, दो पे आया। अब इनके दो नंबर हुए। फरियाल गैस कराएंगी हीरा को जी। नीलम। अच्छा, मतलब ये छुपा ले अगर तो अच्छा रहेगा। वाह वाह, ये डिफॉल्ट हो गया। साथ साथ ही क्वालीफाई माइनस पे नंबर, माइनस पे नंबर। ये ले, मैंने नहीं देखा, वापस करें, वापस करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये ले, हमें नहीं पता क्या कार्ड है। नहीं नीलम को नहीं, आप मेरा को गेस करें भाई। इनकी मर्जी, जैसे मर्जी गेस करवाएं, गेस करा लो भाई। अपलोड अपलोड ट्रक। और भी हिंट दे सकते हैं? मतलब तीन वर्ड से तीन हिंट है आपके पास। एक और सोशल मीडिया, फेसबुक। ये ले मानी भाई गेस्ट कराएंगे। अली भाई, भाई आपके लिए मेरी अली भाई शुभकामनाएं। साथ साथ बहुत चले जी। पहली हिंट होटल होटल मारिया जो है ना कानिया की सबको तक ले। फिर तुमने जी हाँ नाजरीन, आपकी बारी। पूछे वोट है, वोट 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 वोट। ओह इतना आसान। व्हाट इज द वेदर लाइक और व्हाट इज हैपनिंग? वोट 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 आर यू सेइंग? वोट आर यू सेइंग? नवाज शरीफ। वोट पाई थी, एक हो गया, सब बता दो। हो गए वोट मार्क, तीन हिंट हो गए। यस, ओ वाह, शेर गेस कर लिया। वेरी गुड, गेस कर लिया। नहीं, 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 गेस कर लिया। तुमने बहुत विंटर्स विंटर्स कवरिंग दो, ये सर भी हो सकता था। कंबल थर्ड एड थर्ड एड लास्ट चांस है, लास्ट चांस। ओए ये ना करेंगे क्या? एक और देंगे ना हिंट, जैकेट। अबे गायब, बस खत्म। चले जी, पॉइंट हो गया लड़कियों का। यार स्वेटर 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 यार स्वेटर, मुश्किल लग गया यार। मारी आ गई मारिया की। मारिया गैस कराएगी फरियाल को। आप कैसे पूछे फरियाल गैस करेगी? आइस जवाब भाई भाई दूर।
दहशतगर्दी नहीं चलेगी। मैंने गंजा कर देना है, मेरी बात सुने। तेईस को शादी, जो गैस कर रहे हैं उसकी तीन बारियां हैं और जो गैस करवा रहे हैं उसकी तीन बारी। तो हो गई तीन का मतलब ये हुआ कि आपका पॉइंट लॉस। गुड जॉब, गुड जॉब। चीटिंग। फैसल भाई गैस कराएंगे अली भाई को। ओ तेरी खैर हो गई। अच्छा पॉइंट्स अभी ये चल रहे हैं। एक मिनट पॉइंट हमारे ज्यादा नहीं, तीन हमारे दो। तीन दो हिमायू सईद ना करें, ना करें फिर नहीं गाड़ी इंजन शैम्पू ड्रिंक जो हम हर वक्त लगा रहे हैं। ये बात बता दिया आपने कहा है हमारी नजरें पूरी है लेकिन आपने तो कहा था, आपने तो कहा था आप लोग बहुत सारे अच्छे जुगतों के लिए और बहस के लिए अलग से सेगमेंट रखा है, इसलिए हम सिर्फ गेम खेलेंगे और आप पॉइंट लूज कर चुके हैं। मानी भाई गैस कराएंगे, मानी भाई गैस कराएंगे फखर भाई को 5-2 आपको टॉयलेट उसको तो देख वही इधर गैस करा उनको वो लाइन ही करा रहे हैं। अरे फखर को करवाना है, लो दो हो गए। मुस्लिम शाहवाज लोटा लोटा दिखा दो करके यू करके मुंह में रख दो तंबाकू किया तो धुएं उड़ गए, पान की दुकान किया तो धुएं उड़ गए, तंबाकू कलर भी बता दो चीज का।
नहीं नहीं तंबाकू। अच्छा चलो पानी होगा ऑब्वियसली। देखें आप, अच्छा सॉरी मैं एक बात बोलूं, आप दूसरा लफ्ज नहीं और आप इशारे ना कार्ड आपके। अच्छा ओके फाइन फाइन। तंबाकू पिया तो धुएं उड़ गए। 8 9 भाई टाइम लग रहा है। ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है। तंबाकू किया तो धुएं उड़ गए, तंबाकू किया तो धुएं उड़ गए। थूका जो उसकी गाड़ी पे मैंने तो नशे हो गए, वाइपर चल पड़े। अरे यार क्या यार, क्या बड़ी जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब दे दिया, गलत जवाब दे दिया। अली भाई, पानी में गेस कराएंगे फैसल भाई को। जल्दी फैसल ना। हाँ भाई, हाँ भाई, ये क्या हांडी? आप लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते? आप कह सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। खाना खाना, अच्छा खाना बनाना, खाना पकाना। ये खुद क्यों बोल रहे हैं? ये खुद क्यों बोल रहे हैं? भाईजान भाईजान, अरे ये बोल क्यों रहे हैं? शेफ, हाँ हाँ, शेफ साधक। अरे यार मारिया गेस करेंगी फरियाल को। कौन गेस करेगी फरियाल? अगर आपने बहस की, अगर आपको इसकी पेनल्टी लगेगी और आपको गोल मारने पड़ेगा। इसकी भी नहीं आ रही, इसकी भी नहीं आ रही। इसके बाद अभी आइए, उसकी बांदान ने बता दिया है और ये गेस करा रही थी। ये दोनों तो खेल रहे थे दादी मांगे। अच्छा चले, एक सेकंड, नहीं नहीं लास्ट टू, लास्ट टू, एक आपका एक हमारा। चले लास्ट, आंटी खत्म करें। और अगर किसी ने बहस की तो उसका पॉइंट माइनस हो जाएगा। चले चले, क्योंकि आमना एक 18 साल की बच्ची जिसकी फेसबुक पे ऐसे से दोस्ती हुई थी, उसको ये पसंद है। चले अपन ही मुकाओ गल। अच्छा फिर मैं भी बता। चले भाई चले, माशाल्लाह। कौन गेस कर रहा है? हु इज गेसिंग? यू आर गेसिंग। मारिया विल सेलेक्ट। अच्छा चले, नीलम गेस करेंगी। नीलम गेस करेंगी। नीलम गेस करें आप। 9 तो इसके हिसाब से लड़के जीत गए। नाज़रीन ये फजूल बातें तो चलती रहेंगी, आपको बताते चलेंगे। 18 साली आमना असद के साथ जब घर में गई, उसको बहुत सारी खुशियाँ मिली और आज उसके माशाल्लाह 3 प्यारे प्यारे बच्चे। इस भैंस का तो कोई इलाज नहीं, अपनी हिम्मत जाया करें, ब्रेक पे जाएं, सवैया करें। चलो खिलाऊं तुम्हें। लड़ गईया
कहना था कहना पाए दिल में भी रहना पाए तुम जो आए तो अरमा सामने आए कहना था कहना पाए दिल में भी रहना पाए तुम जो आए तो अरमा सामने आए रहने तो सब मजबूरियां काहे को है ये दूरियां अब हीर खिलाए रांझे को अपने हाथों से दूरियां ताक पिया जब डोरे डाले मन भागे तोड़ के ताले एक दो तीन चार पांच लोग रह गए आप हीरा जी और नीलम दो गुड़ियां और मैं नया कॉम्बिनेशन ये नया कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे आप कहाँ जाएंगे मैं ये घर चला जाएगा थोड़ी देर नहीं 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 नीलम आदि और सादा बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई तू नशे की तरह मुझ में उतर गई बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई तू नशे की तरह मुझ में उतर गई कोई होश नहीं कोई खबर नहीं कैसा जादू है ये सर चढ़ा ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बंजारों तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया मैं समझा टल गया दिल जो था कल गया कैसे फिर दे गया ये दगा कोई होश नहीं कोई खबर नहीं कैसा जादू है ये सर चढ़ा ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई तू नशे की तरह मुझ में उतर गई बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई तू नशे की तरह मुझ में उतर गई कोई होश नहीं कोई खबर नहीं कैसा जादू है ये सर चढ़ा ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया यार हम दो हैं हम दो कैसे करेंगे हम दो बचे हैं आप दो ही काफी हैं मानी मानी को ले जा मानी ने पहला राउंड खेला था रेस्ट पे
चीटिंग तुम बाहर कराए के गुंडे लेकर गए हो जो बिचारे जिस तुम्हारी टीम में नहीं थे उनको उठाया तुमने इसके वैसे वैसे जीता बच्चे कौन है और तुम घर से रिहर्सल करके आए थे अपने गानों के ऊपर अच्छा काम करता है नहीं कुछ नहीं करते भाई मैं इजाजत ले रहा हूं सबसे थैंक यू सो मच ईद मुबारक आप सबको ईद मुबारक फखर भाई के गिफ्ट आप लोगों तक पहुंच गए थैंक यू सो मच ईद मुबारक आपको भी लेकिन ऐसे खत्म नहीं करेंगे वो जो बॉयज एंड गर्ल्स की एक टीम बनी हुई है तुम जाओ गर्ल्स में हाँ। ठीक है। नहीं, हम नहीं ले रहे। अरे इससे अच्छा मौका नहीं दूंगा मैं आपको प्रधान आप इधर आ जाएं हम यहाँ खड़े हैं आप वहाँ खड़े हैं आखिरी मैशअप चलेगा जो मस्ती होती है वो करो चलो मेरे दोस्तों
चलो लगाओ। तेरे सेरे नू सजाया दाडा फूल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो केंदी ए सनाई आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सिरियां वाला सांसों में भर गई तू नशे की तरह मुझ में उतर गई बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई तू नशे